नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। बुलढाणा जिले से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक व्यापारी ने केंद्र सरकार के खजाने को 100 करोड़ रुपए का चूना लगाया। खामगांव के जीएसटी सहायक आयुक्त चेतन सिंह राजपूत के मुताबिक व्यापारी ने जीएसटी टैक्स में 100 करोड़ रुपए का गबन किया है। ऑडिट से पता चला है कि बुलढाणा जिले के खामगांव में एमआईडीसी में देवकी एग्रो इंडस्ट्री के मालिक ने वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के महीनों के दौरान लगभग 1,75,00,000 रुपए जीएसटी का गबन किया। इसलिए उस व्यापारी ने डुप्लीकेट कागजात तथा अधिकारी की डुप्लीकेट सही और स्टाम्प का इस्तेमाल किया है। इसलिए देवकी एग्रो के नितिन टावरी के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। इस व्यापारी के नाम पर कंपनियां रजिस्टर है। इन कंपनी का ऑडिट करने के बाद कभी सर्व कोटि रुपए जीएसटी टैक्स गबन का आरोप उद्योग जीएसटी सहायक आयुक्त चेतन सिंह राजपूत ने किया था। आज खामगाव स्थित में देवकी ॲग्रो इंडस्ट्रीजचे संचालक श्री नितीन मोहनलाल टावरी यांचे विरुद्ध खामगाव शहर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे। में देवकी ॲग्रो इंडस्ट्रीजच्या जीएसटी ऑडिट दरम्यान डाळीवरती कर आकारणारी भारतातील पहिली ऑर्डर आपण खामगाव या ठिकाणी पारित केली होती। मात्र सदर कर चुकविण्याकरिता संबंधित व्यापाऱ्याने इकडील कार्यालयाकडे फेक ॲफिडॅव्हिट, बनावट दस्तावेज आणि बोगस डॉक्युमेंट सादर केले। सोबतच शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या देखील केल्या। त्यामुळे आयपीसी सेक्शन 467, 468, 469 आणि 471 या कलमांतर्गत सदर व्यापाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। विशेष म्हणजे आपण संबंधित आदेशान्वये जो 2.25 कोटी जीएसटी सदर व्यापाऱ्याकडून आकारला होता तो फक्त या व्यापाऱ्याच्या एका युनिटचा आणि एका वर्षाचा कर आहे। सदर व्यापाऱ्याच्या मालकीची अनेक युनिट्स असून त्यांचे संपूर्ण 4.5 वर्षाचे ऑडिट करण्यात आल्यास 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक शासकीय महसूल आपणास संरक्षित करता येणार आहे। धन्यवाद।